So welcome back with another video. So आज को इस After Effects tutorial से नेपाली में चाहिए हमले camera tracking को बारे में सीखने वाला चाहूँ. जैसे 2D tracking थी यहाँ पे नहीं camera tracking होना चाहिए. यो चाहिए 2D या 3D में हमले use करना सकते हैं. And यो चाहिए one of the most important features हो After Effects में यदि तबे VFX करना होना चाहिए बनीजी. कि ना बनीजी sometimes हमले ये चाहिए place होना चाहिए या object होना चाहिए तो इसलिए track करना पड़ने होना चाहिए. So and ये After Effects में मेरा फर्स्ट मचाई आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर चाहिए कुछ यानी सब मचाई ऐसे फुटेज चाह अब ये चाहे मैं ट्रैक कर चाहिए कुछ तब ये लाइक चाहे फर्स्ट देख रहे हो चु यानी ये कंट्रोल आई प्रेस कर रहे हो ला ऑब्जेक्ट लूँ जो चाहे मेरे यो लीगे कुछ है ये स्लाइड लीगे कुछ आई थिंक यो है ये चाहे मेरे आप ही सूट करे कुछ है ऑफिस में है ना अन्य सेम ये स्लाइड यानी ड्रैग कर चाहे कंपोजिशन सेम साइज को लीन चाहे भाई मैं चाहे सेम साइज को लीन ला चु अब 3D कैमरा ट्रैकर कहानी रहो जानी रहे ना ट्रैकर को साइड योर राइट साइड में यानी रहो उनसे ही योर ट्रैकर उन्हीं रह कैमरा ट्रैकिंग वन रहो उनसे ये रिपाउंड वापस चाहिए ना उन्हीं से यानी रो इंडा मगारा इन तबले ट्रैकर वन रिपाउंड सकने चाहिए यानी रहे ना ये एंड अब ऐसे लाइक ये करने सीधा हमने डायरेक्टली ऐसे लाइक ट्रैकर लाइ ट्रैक कैमरा करना पड़ता है सीधा ट्रैक कैमरा करना बिती के इसलिए चाहे इस तो किसी को दी दीन चा हेरन सब मुझे ये ट्रैक हालना बिती के इसलिए चाहे एनालाइज कर सब बैकग्राउंड लाई बैकग्राउंड लाई एनालाइज करने के लिए ले में भी के टाइम लीन चा 2 मिनट्स अराउंड आई ना जो सो इसलिए जब मैं कैंसिल कर दीं चु मौसे देखो चु एनालाइज बाहर कौन सा आउट चाहे यानी रियो वीडियो चाहे मौसे चाहे नो ये पूरा एनालाइज बाहर फिक्स बाहर आउट जाने जोन फिक्स बाहर आउट देखेरी इस तो किसी को तबे का ट्रैकिंग पॉइंट और आई दिन चाहिए नो अब ये मैंने दूसरा पॉइंट और जोन चाहिए हमले सिग्नल करने चाहिए यानी ट्रैकिंग पॉइंट चाहिए ये इंक्रीज करने वाले भी यानी रियो ट्रैक और चाहे नहीं यो चाहिए इंक्रीज हुन्छ अनि यो चाहिँ ट्रैकर साइज यसले चाहिँ ट्रैकर को साइज लाई कम गर्दिन्छ भन्नाले जुन भिजिबिलिटी हुन्छ नि त्यसलाई अलिकति सानो गर्दिन्छ अब यानी क्रिएट क्यामेरा भनेको छ यो चाहिँ अब गर्छम यानी र म सपोज थिंक कि म यो एरिया लाई ट्रैक गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यसलाई यसलाई नि यसलाई क्रिएट गर्छु म यानी र एउटा यसलाई सेलेक्ट गर्छु अनि शिफ्ट होल्ड गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई होल्ड गर्छु यानी र हामीका एउटा वर्क स्पेस आयो यानी र हेर्न सक्नुहुन्छ यो वर्क स्पेस अनि यानी राइट क्लिक गर्छु क्रिएट टेक्स एंड कैमरा बने हाँ क्रिएट एंड टेक्स कैमरा बने को टेक्स संग तब ले कैमरा संग टेक्स आलू चालू चो या तो सोलिड मौजा यानी रा सोलिड बैकग्राउंड निचो यानी जो इसलिए चाहे उड़ा सोलिड बैकग्राउंड आलू चो एंड यानी रा क्रिएट कैमरा बनी हुन्छ अगेन बने को तीन फीचर्स में यानी रा कैमरा आउट बने रा जस्ट फॉर एग्जांपल यदि म यानी रा अगेन यानी कंपोजिशन 3D ट्रैकर में गए बने यहाँ क्रिएट कैमरा थे यहाँ 3D AI हो फिर अगेन यहाँ जान्छम अब हल्का तल जान्छम अब हेर्नु यो चाहिँ पूरा ट्रैकिंग भइसकेको छ के ट्रैकिंग डेटा यहाँ सोलिड भएको छ अब सपोज थिंक कि तपाईले यहाँ केही अब्जेक्टलाई हाल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ एउटा इमेज लिएर आउँछु जुन चाहिँ आफ्टर इफेक्ट्स को छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ प्लेस गरेर हेर्छौँ अर मेबी प्रिमियर प्रोलाई लिएर आऊँ है किनभने चाहिँ हामीलाई चाहिँ फुटेज मात्र चाहिएको छ यहाँ ब्रिङ इट गर्छु एन्ड एस प्रेस गरेर यसको स्केल पोजिसन हल्का डाउन गर्छौँ एंड यहाँ हेन सकूँ यहाँ आयो अब चाहिए के ट्रैकिंग यदि अब इस यहाँ पेयरिंग है पेयरिंग पेयरिंग अप्सन जानु पिकअप कर यहाँ ट्रैकिंग सोलिड अब्जेक्ट ड्रप कर दिन ते हिसाब से अब के यहाँ हेन मोशन संग ट्रैक बट यहाँ प्लेससंग अब भन्नाले प्लेससंग प्रॉपर्ली पर्सपेक्टिव भएको छैन अब इसलिए के गर्छम यहाँ 3D गर्छम एंड 3D करने बितीक यहाँ के पोजिशन हमें एडजस्ट कर पर्ने एंड इसलिए स्केल्स हल्का बढ़ाने पर्ने यहाँ लु एंड इसको रोटेशन में जान हल्का इसलिए यहाँ एंड हल्का ये अब्जेक्टर हेन सकूँ यहाँ ये इसलिए तब सकूँ यहाँ पोजिशन है पोजिशन यहाँ हाल सकूँ ये किसिम ने है पोजिशन अभी यह रोटेशन होगा मे बी सरी अब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु होला अरु चाहिँ लक गर्दिनु होला मे लक गरेर काम गरौँ है लक गर्दिम यसलाई लक गर्दिम एन्ड अब चाहिँ हेर्नु यो भनेको एक्स पोइन्ट हो जसले चाहिँ यो यताउता गर्छ कि साइडहरू यसलाई है एन्ड यो ब्लू कलरको वाई वाई छ यो चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ लेफ्ट टु राइटको लागि हुन्छ एन्ड यो चाहिँ माथि र तलको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो माथि एन्ड तल अब चाहिँ हेर्नु यो चाहिँ हामीले पेयर गरिसकेको छौँ अनि पर्सपेक्टिव पनि म्याच गरिसकेका छौँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यदि स्केल चाहनुहुन्छ भने चाहिँ ठुलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ हल्का स्केल ठुलो गराउँछु किन तपाईँहरूलाई देखाउनु छ मैले यहाँनिर है एन्ड
यो चाहिँ भयो हल्का ठुलो भयो अब हेर्नु एकचोटि चाहिँ यसलाई बन्द गरिदिनु अब ट्र्याकरलाई चाहिँ बन्द गरिदिनु होला काम छैन यसको किनभने चाहिँ हामीले प्लेस गरिदिइसकेको छौँ त्यसलाई डाटालाई एनालाइज गरेर है अब हेर्नु ट्र्याकको यो नि यो के भएको छ मजाले यो अब्जेक्ट यहाँनिर टाँसेको छ कि यस्तो किसिमको रियलिस्टिक फिल आउँछ क्या चाहिँ 2D को चाहिँ यो क्यामेरा ट्र्याकिङको काम चाहिँ यति नै थियो यदि तपाईँले यहाँनिर टेक्स्ट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ है जस्तै प्रिभियस भिडियोमा हालेको थियौँ त्यस्तै किसिमले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाले पुरा ट्र्याक भइसकेको छ अनि यसको कलर ग्रेडिङहरूको बारेमा पनि एडभान्समा जान्नेवाला छौँ है सो सी अन द नेक्स्ट भिडियो एन्ड अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले कलर ग्रेडिङ र कम्पोजिसनको बारेमा जान्नेवाला छौँ बेसिक टु एडभान्स